वैसे तो कोई भी बीमारी शरीर के लिए बहुत घातक होती है लेकिन अगर किसी को शीत पित्त हो जाए तो वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है मैं आज शीत पित्त के लिए एक बढ़िया घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ इससे आपका शीत पित्त पंद्रह दिन के अंदर सौ परसेंट खत्म हो जाएगा अगर नहीं खत्म हो तो फिर मुझे बताना ये शीत पित्त का बहुत ही अजमाया हुआ घरेलू नुस्खा है मेरी बेटी के शरीर में पित्ती उछलती थी और वो कुछ कर नहीं पाती थी काफ़ी अंग्रेज़ी दवाइयाँ ले ली लेकिन उसके कोई फ़ायदा नहीं हुआ तब मैंने इसका इलाज किया अपनी किताब में देखकर और ये अजवान और गुड़ का मैंने नुस्खा उसको बनाकर खिलाया तो उसका पंद्रह दिन के अंदर पित्ती उछलना बिल्कुल ख़त्म हो गया मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका शीत पित्त पंद्रह दिन के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इस दवाई को लेने से आपको लेनी है सौ ग्राम अजवाइन और सौ ग्राम गुड़ सौ ग्राम अजवाइन को महीन पीस लें यदि मिक्सी हो तो मिक्सी में पीस लें नहीं मिक्सी है तो आप खलल में खरल में या कुछ चकले पे पीस लें इसको बिल्कुल बारीक पीस लें फिर उसमें गुड़ को पीस कर मिला दें और छोटे छोटे तीस लड्डू बना लें अजवाइन के छोटे छोटे तीस लड्डू बना लें गुड़ मिलाकर फिर उस उन लड्डुओं को एक सुबह और एक शाम आपको ताज़ा पानी से लेना है और इसमें कुछ परहेज़ भी हैं उनको आपको करना है परहेज है आपको एक तो ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी है टमाटर वग़ैरह खटाई भी नहीं खानी है नींबू टमाटर ये ठंडी चीज़ें सारी खटाई सारी ठंड करती हैं इसलिए खटाई भी आपको नहीं खानी है बस पंद्रह दिन नहीं खानी है फिर आप खूब खा सकते हो आपका पंद्रह दिन के अंदर शीत पित्त बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ये मैं आपको सौ परसेंट गारंटी देती हूँ अगर आपके शीत पित्त नहीं मिटे तो मुझे कमेंट में बताना ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये दवाई लें और शीत पित्त ना मिटे इसलिए आपको इस दवाई को नियमित दोनों टाइम लेना है और इसमें ठंडे पानी थोड़े नॉर्मल पानी से लेना है ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं लेना है थोड़े हल्के गुनगुने पानी से लेना है क्योंकि सर्दी का टाइम है और इसको लेकर आप कुछ भी खा पी सकते हो केवल खटाई और ठंडी चीज़ें नहीं खाएं आप देखोगे चमत्कार पंद्रह दिन के अंदर आपका शीत पित्त बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आप कहोगे कि हाँ मैडम ने सही चीज़ बताई है और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करो लाइक भी मत करो लेकिन यदि आपके शीत पित्त की बीमारी है तो इस दवाई को जरूर ले लेना क्योंकि सारे डॉक्टरों की दवाइयाँ फैल हैं इसके सामने अजवाइन एक चमत्कारी औषधि है शीत पित्त के लिए अजवाइन को सभी जानते हैं और ये मसाले में उपयोग की जाती है रसोई में सबके अजवाइन मिल जाएगी इसलिए आप शीत पित्त के लिए इस औषधि को लें और कोई संकोच ना करें इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि गुड़ तो सभी लोग खाते हैं और अजवाइन को सब्जियों में सब लोग खाते हैं डाल के इससे हाजमा भी सही रहता है इसको आप लोगे तो आपका हाजमा बिल्कुल सही रहेगा कोई खट्टी डकार एसिडिटी नहीं होगी इसलिए आप इस दवा को जरूर लें अगर आपके शीत पित्त हो तो और ध्यान रखें गर्भवती महिलाएं इसको ना लें और जिनकी तासीर अति गर्म है वो ना लें वैसे गर्म तासीर वाले के शीत पित्त होता ही नहीं है इसलिए इसको कोई भी ले सकता है यदि कोई आपको समस्या हो और भी कोई बीमारी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें क्योंकि मैं सारी बीमारियों के रिसर्च करती रहती हूँ और एकदम आजमा के तब जाके मैं वीडियो डालती हूँ और अब मुझे आज्ञा दें नमस्कार जय माता की जय हिंद जय भारत